नाम पाक है लेकिन पूरी दुनिया नापाक कहे, नाम पाक है लेकिन पूरी दुनिया नापाक कहे, मंदिर से ना कोई नाता ना उनका मस्जिद से है। मानवता के अपराधी हिंसक फितरत के आदि हैं, हैवानों के धर्म नहीं हैं, केवल आतंकवादी हैं। प्रेम दिवस पर दुनिया में प्रेम लुटाया जाता है, उस दिन भी नापाक धरा पर अपराध सिखाया जाता है। गुलाब दिए जाते हैं लेकिन उसने हमको खार दिया, एक भेड़िए ने भारत के 44 शेरों को मार दिया, एक भेड़िए ने भारत के 44 शेरों को मार दिया, एक भेड़िए ने भारत के 44 शेरों को मार दिया। मुंबई में भी उग्रवादी बनकर आए जिहादी, मुंबई में भी उग्रवादी बनकर आए जिहादी, आज करें बर्बादी कल को छीनेंगे आजादी। पठानकोट पुलवामा में आतंकवादी घुस आए, महबूबा के पिल्ले फौजों पर पत्थरबाजी करवाए। वीरान पड़ा था कश्मीर, खामोश पड़ा झेलम का पानी, बिखरी घाटी के रण आंगन में, बिखरी घाटी के आंगन में बलिदानों की अमर कहानी। अजगर का डर घाटी में, अजगर का डर घाटी में, अब और नहीं रहने देंगे। जो खून बहा है सरहद पर वो व्यर्थ नहीं होने देंगे, जो खून बहा है सरहद पर, जो खून बहा है सरहद पर वो व्यर्थ नहीं होने देंगे। अपनों का भी दंश झेलकर हमको जीना आता है। पड़ोसी मुल्क को चेतावनी देते हुए हम कहना चाहते हैं कि हम तो संयम के हैं, हम कभी पहला वार नहीं करते, लेकिन जब तुमने वार किया तो हमने तुम्हें ये चार पंक्तियां सौंपी कि अपनों का भी दंश झेलकर हमको जीना आता है, अपनों का भी दंश झेलकर हमको जीना आता है, दुनिया के कल्याण वास्ते विष भी पीना आता है। संयम को भारत की लाचारी तुमने समझ लिया, सैनिकों के बच्चों पर से तुमने साया छीन लिया, लाल लाल सा कर डाला तुमने नदियों का पानी, तार तार हो गई है भारत माता की चुनर धानी। कायरता के कायर हमले ने, कायरता के कायर हमले ने धधकाया अंगारा है, बालाकोट से याद दिलाया पूरा कश्मीर हमारा है। बालाकोट से याद दिलाया, बालाकोट से याद दिलाया, बालाकोट से याद दिलाया पूरा कश्मीर हमारा है। और तो हम वो देश है पाकिस्तान जिसने तुम्हारे बाप दादाओं को 93,000 सैनिकों को कमर में पट्टा बंधाकर इस देश की धूल चटाई हो, उस देश की हम संतानें हैं। तब मैंने चेतावनी के रूप में उनको कहा कि क्यों जरूरत पड़ी हिंदुस्तान को वार करने की, तो उसका कारण इन चार पंक्तियों में है। स्वागत कि उग्रवाद की इंतहा बहुत हो गई थी पाकिस्तान, उग्रवाद की इंतहा बहुत हो गई पाकिस्तान, चैन नहीं था भारत को, नींद खो गई पाकिस्तान, आंखों से परिवार बिलखता कैसे देखा पाकिस्तान, पुलवामा की घटना पर सब्र खो गया पाकिस्तान, गम भरा था सबके मन में, आंखों में बदला पाकिस्तान, मन भी व्याकुल तन भी व्याकुल, दिल दहला था पाकिस्तान, और पीछे मुड़कर देखा सेना ने, पीछे मुड़कर देखा सेना ने तो देश खड़ा था पाकिस्तान, बच्चों बहनों माँ पत्नी का संकल्प खड़ा था पाकिस्तान, तभी तो निर्णय लेकर सेना ने सब में शक्ति भर दी थी और 300 को मार गिराया, ऐसी तैसी कर दी थी, और 300 को मार गिराया, और 300 को मार गिराया, और 300 को मार गिराया। उसके बाद में जैश ए मोहम्मद ने हमारे हमले की जिम्मेदारी ली थी, जो पुलवामा का हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली, लेकिन वायुवीर ने जब उड़ान भरी, जब वायुसेना ने उड़ान भरी 12 मिराज विमान के साथ में, तो जैश ए मोहम्मद का क्या हश्र हुआ होगा, चार पंक्तियों में सौंपता हूं कि तूफानों का रुख वायुवीरों ने मोड़ दिया, तूफानों का रुख वायुवीरों ने मोड़ दिया, पवन पुत्र सी वायु सेना दुश्मन के भ्रम को तोड़ दिया, महाकाल स्वयं कालबन ब्रह्म मुहूर्त में निकले थे, शहीदों के परिजन के ताजा घाव भरने थे, उड़ान भरी बाहरे मिराज ने हाहाकार मचाया था, 21 मिनट में ही दुश्मन थर्राया वे घबराया था, अरे अचूक निशाने गोले दागे भारत का मान बढ़ा डाला, और 90 सेकंड में जैश मोहम्मद को कब्रिस्तान बना डाला, और 90 सेकंड में जैश मोहम्मद को कब्रिस्तान बना डाला।
और 90 सेकंड में जैश ए मोहम्मद को कब्रिस्तान बना डाला। और उसके बाद में चुनौती का पलटवार करते हुए पाकिस्तान ने अपना F-16 विमान हिंदुस्तान में भेजा, जो अमेरिका से सौदा करके मंगवाया हुआ था। वो F-16 विमान अत्याधुनिक लड़ाकू विमान था। लेकिन घटना आपके बीच में रखता हूं कि दुश्मन देश ने बमबारी को F-16 मंगवाया है, कि दुश्मन देश ने बमबारी को F-16 भिजवाया है, अमेरिका से सौदा करके दुश्मन ने मंगवाया है। इधर मोर्चा भारत ने अभिनंदन को सौंप दिया, इधर मोर्चा भारत ने अभिनंदन को सौंप दिया, MiG-21 देकर हाथों में रणभूमि में झोंक दिया, उड़ान भरी MiG-21 ने LOC को पार किया, F-16 को देखवीर ने ऐसा भीषण वार किया, आर पार के वारों से दुश्मन के रुख को मोड़ दिया, आर पार के वारों से दुश्मन के रुख को मोड़ दिया और LOC के अंदर ही F-16 को फोड़ दिया, और LOC के अंदर ही F-16 को फोड़ दिया, और LOC के अंदर ही F-16 को फोड़ दिया। पाकिस्तान के उसके बाद में विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सरजमी पर गिरे, वहां गिरते ही उन्होंने भारत माता की जय जयकार करी, लेकिन कुछ भेड़ियों को मंजूर नहीं हुई तो उन्होंने हमारे बहादुर लाल पे हाथ उठाया, तो वहां से वो भाग छूटे और एक तालाब में वो गए, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के जितने सबूत थे आगे की जो कार्रवाई होनी थी उन सभी सबूतों को उन्होंने पानी के साथ में अपने शरीर में समाहित कर लिया। इस प्रकार का वो वीर बहादुर। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पाकिस्तान की धरती पर भारत माँ की जयकार हुई, पाकिस्तान की धरती पर भारत माँ की जयकार हुई, युद्ध बंदी अभिनंदन की जेलों में ललकार हुई, दुश्मन की धरती पर भी परम वीरता बोल उठी, चेहरे के प्रकाश पुंज से दसों दिशाएं डोल उठी, भगत सिंह की परंपरा अभिनंदन में दिख जाती है, पृथ्वीराज की घायल आंखें गोरी को खा जाती है, हल्दी घाटी वीर शिवाजी अभिनंदन में दिखते हैं, परम वीर के सम्मुख दुश्मन छोटे बोने लगते हैं, अरे इसी धरा पर दीवाने वतन पे शैदा होते हैं, और विंग कमांडर अभिनंदन भारत में पैदा होते हैं, और विंग कमांडर अभिनंदन और विंग कमांडर अभिनंदन भारत में पैदा होते हैं। उसके बाद में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और भारत के सेना अध्यक्षों ने निर्णय लिया कि युद्ध करना पड़ेगा, तो अभिनंदन को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान को मोहलत दी गई कि या तो हमारे वीर जवान को छोड़ दिया जाए वरना ये कवि लोकेश की चार पंक्ति सुन ली जाए। उसी माहौल पर उसी हालात पर वो चार पंक्तियां मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ कि तोपों और क्या कहा होगा भारतीय सेना अध्यक्षों ने और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को, जो 60 घंटे के अंदर में वीर जवान को छोड़ना पड़ा और देश को स्वाभिमान के साथ सौंपना पड़ा। मैं पढ़ता हूँ, तोपों और मिसाइल को तन करके तैयार करो, तोपों और मिसाइल को, आपने नाम सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी, आज भी वहां बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि तोपों और मिसाइल को तन करके तैयार करो, बंदूकों से हथगोलों से भीषणतम प्रहार करो, आजादी की मांग करे उनको आजादी दे दो जी, कश्मीर के गद्दारों को सीधे गोली दे दो जी, धूम मचाओ लाहौर कराची इस्लामाबाद की धरती तक, आर पार और वार प्रहार सेना की मनमर्जी तक, ऐसा युद्ध लड़ोरी सेना, ऐसा युद्ध लड़ोरी सेना विश्व देखता रह जाए, चीन की चींची करती आंखें साहस दे के फट जाए, चीन की चींची करती आंखें साहस दे के फट जाए, अरे परमाणु का वार भयंकर, परमाणु का वार भयंकर करके इतिहास रचाओ जी, अब हिरोशिमा नागासाकी पाकिस्तान बनाओ जी, अब हिरोशिमा, अब हिरोशिमा, अब हिरोशिमा नागासाकी पाकिस्तान बनाओ जी। इसके बाद में वीर जवान को छोड़ना पड़ा। अंतिम दो पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं कि तुम कायरता का स्मारक हो, तुम कायरता का स्मारक हो, हम साहस का वंदन है और पूरे पाकिस्तान पे भारी विंग कमांडर अभिनंदन है। जय हिंद जय भारत।